श्री बी सुरेंद्रन जी, श्याम प्रसाद जी, वेंकटेशन जी, राजेश मंडली जी, सुरेश तिवारी जी, भाटी जी, अनीश मिश्रा जी, भाइयों और बहनों, एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव भाषण हमने अभी सुना है। कौन से मुद्दे विचार के और विचार की दिशा क्या हो, एक 15 मिनट में इस पूरे विषय को इतनी समग्रता से कहना, ये बहुत वर्षों के अभ्यास से होता है। मुझे स्मरण है कि जब मैं छोटा था तो हमारे घर के एक कोने में शौचालय था। उस समय के हिसाब से ड्राई लेटरिन थी, एक पॉट में सारा दिन जमा होता रहता था। अगले दिन सवेरे एक बहन आकर के उसको साफ करती थी, एक तसले में डालती थी, सिर पे उठा के ले जाती थी और कहीं फेंक कर आती थी। छोटेपन से देखा था, समझ नहीं थी, कुछ अनयूजुअल नहीं लगता था। सभी घरों में ऐसा होता था, पर जब मैं विधायक बना और विधायक बनने के बाद में एक जगह सीवर चोक हो गया, बस्ती में पानी भर गया, सफाई के लिए लोग गए, मुझे बुलाया, मैं भी जाकर खड़ा हो गया। एक व्यक्ति सीवर के अंदर बाल्टी और डंडा लेके था, उसकी नाभि तक पानी था, सीवर में जो कुछ होता है वो उसमें बह रहा था। वो डंडा मारता था, बाल्टी में इकट्ठा करता था, ऊपर वाले साथी को देता था, साथी लेकर उसको फेंकता था। और ये प्रक्रिया ऐसी थी कि बाल्टी में भर के ऊपर देने और लेने में हर बार बाल्टी थोड़ी टेढ़ी होती थी और वो सब पानी और वो सब मल उसके सिर पे, मुंह पे, कंधे पे गिरता था। जैसे मैंने कहा कि मुझे बचपन में वैसा मल उठाना उसमें कुछ असहज नहीं लगता था, इस बार मेरे साथ में ऐसा नहीं हुआ। प्रत्येक बार वो जब बाल्टी ऊपर करता था तो मुझे लगता था ये क्या हो रहा है, उसके लिए सहज था, वो तो रोज ही करता था इस काम को। और उस असहजता से मेरे मन में प्रश्न उठा कि हमारे संविधान में तो कहा है कि मानवीय गरिमा होनी चाहिए। आर्टिकल 21 में जो जीवन का अधिकार दिया है उसमें जीवन को गरिमा से जीने का अधिकार दिया है। मनुष्य अपने गौरव के साथ रह सके तो कोई समाज के पास वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, इसको इस सबको उठाना पड़ेगा, इस सब में स्नान करना पड़ेगा, इस सब को झेलना पड़ेगा। और फिर कहा गया कि ये जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है उसमें सफाई का ये जो काम है, अभी भी दिल्ली में अधिकांश ये काम वाल्मीकि समाज के लोग करते हैं, वो इसको करने के लिए अभिशप्त क्यों है? हमने अपने संविधान में धारा 17 में कहा कि अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड, छुआछूत को समाप्त किया जाता है, और किसी भी फॉर्म में इसका प्रयोग करना ये दंडनीय अपराध होगा। तो इसका दंड मिलता है क्या? इसकी संवेदनाएं जागृत होती हैं क्या? क्या ये सब शब्द ही रह जाएंगे? धारा 23 में कहा है कि बेगार को समाप्त कर रहे हैं, धारा 47 में कहा है कि हम प्रत्येक के जीवन स्तर में बढ़ोतरी लाएंगे। जब 93 का कानून बना तो 7.5 लाख ड्राई लेटरिंस थी, 10 साल बाद में जब उसको देखा तो वो 9.5 लाख ड्राई लेटरिंस हो गई थी। ये ड्राई लेटरिंस क्यों बढ़ती जा रही है, ये उस समय का एक प्रश्न था। हमने अपने संविधान में लिखा, विश्व के सब लोगों ने मिलकर के
यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बनाया। सब लोगों ने मिलकर के एक कन्वेंशन की, कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। हमने भी हस्ताक्षर किए हैं इन सब पर। हमने भी विश्व के समाज को, भारतीय समाज को, और जो संविधान अपने आप को समर्पित किया हमने, इन तीनों चीजों में हमने अपने को और विश्व को ये वचन दिया है कि हम इस प्रकार के अंतर को और दूरियों को ठीक करेंगे। हम कर पा रहे हैं क्या? उन्होंने कहा अभी सीवर खुलता है, सूंघ करके व्यक्ति बता देता है कि इसमें जहरीली गैस है कि नहीं। ठेकेदार कहता है जाओ, वो कहता है कैसे जाऊं, मर जाऊंगा। एकदम शब्दशः सही, उसको दो बोतल शराब पिलाते, धुत हो जाता है। लाजपत नगर में दिल्ली के 3 लोग मर गए थे। मैंने पता किया क्या हुआ, 3, पहला व्यक्ति भी अंदर गया तो वो निश्चेष्ट हो गया। वो निश्चेष्ट क्यों पड़ा है इसको देखने के लिए दूसरा व्यक्ति भेजा गया। वो दूसरा व्यक्ति भी हिलना डुलना बंद होके पड़ गया, तीसरा व्यक्ति भी भेजा गया। थोड़ा रस्सी बांध के भेजा था इस बार। आधे रास्ते में चिल्लाया, ऊपर आया और इंटेंसिव केयर में रहा। जब एक मर गया तो दूसरे को क्यों भेजा, जब दूसरा मर गया तो तीसरे को क्यों भेजा? क्या उनके प्राणों की कोई कीमत नहीं? अगले दिन सवेरे मैंने उनके घर जाने का फैसला किया। 2 लोगों के घर में मैं गया, बारिश हो रही थी लगातार। जब मैं तीसरे के लिए यहां जाने लगा तो कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाई साहब हम चौक पे रुकते हैं, उनका परिवार यहां पर आ जाएगा आपको मिलने के लिए। मैंने कहा क्यों? थोड़ा मैंने जिद की और मैं गया। वो मुझे इसलिए रोक रहे थे कि रास्ते में कीचड़ थी, फिसलन थी, उसके घर के आगे उसके घर की सीढ़ी तक पानी भरा हुआ था, पूरे मैदान में पानी भरा। उसकी पत्नी 19 साल की थी पर 2 बच्चे थे, पढ़े लिखे नहीं थी। उसके माँ पिता भी थे, वो अकेला कमाने वाला था। कैसे होगा भाई? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 10 लाख रुपए मिलने चाहिए, सरकारों ने मान लिया कि 10 ही लाख रुपए मिलने चाहिए। मेरे को लगा कि अपने बारे में कि कुछ पैसे की आमदनी हो जाए, तो मैंने पूछा कि कितना ब्याज मिलेगा। कहने लगे सीनियर सिटीजन हो, अगर 10 लाख रुपए जमा करोगे तो लगभग 6,700 रुपए महीने का ब्याज मिलेगा। इतना ही मिलेगा ना? 2 बच्चे, अनपढ़ पत्नी, बेरोजगार माँ बाप, 6,700। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 10 लाख देना है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि 10 लाख से ज्यादा नहीं देना है? हम सबका डीए बढ़ता है, हम सबकी कीमतें बढ़ती हैं। 2014 का 10 लाख आज भी 10 लाख है, और जो सर्वे की रिपोर्ट्स आई है, आधे से ज्यादा लोगों को जो सीवर डेथ्स हुई है उनको ये 10 लाख नहीं मिला है, 10 लाख भी नहीं मिला है। किसे इतने लोग मर जाते हैं? हमने कानून बनाया, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन। उसमें एक शब्द लिया, हैजार्डस क्लीनिंग। हैजार्डस क्लीनिंग क्या है? तो सीवर या सेप्टिक टैंक में ऐसी हाथ से की जाने वाली सफाई जिसमें
उसको प्रोटेक्टिव गियर नहीं दिया है जिसमें उसको सफाई की आधुनिक डिवाइसेस नहीं दी हैं, जिसमें सेफ्टी प्रिकॉशंस का पालन नहीं किया है, इसको कहते हैं हैजार्डस क्लीनिंग। इस पर प्रतिबंध है सेक्शन 2D में। इसलिए अगर आपको किसी को भेजना भी है, अगर कह रहा हूं क्योंकि भेजा जाना आवश्यक नहीं है, और मैं बालू शुक्ला को याद करता हूं, बालू शुक्ला सांसद हैं बड़ौदा से, जब वो मेयर थे और एक नाला चौक हो गया था और वहां पे कोर्ट ने कहा था कि कोई अंदर नहीं जाएगा सफाई कर्मचारी, और अंदर जाए बगैर रास्ता नहीं था, तो बालेंदु शुक्ला ने कहा था कि मैं जाऊंगा, कर्मचारी को नहीं भेजूंगा, वो गियर वियर पहन के गए कि जाकर खोल कर आए थे, ऐसा संवेदना होती। तो प्रोटेक्टिव गियर सेफ्टी डिवाइसेस मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स के बगैर किसी को सीवर में उतारना ये अपराध है। धारा 7 में कहा है कि कैसा अपराध है, इसमें 2 साल तक की कैद हो सकती है। और सेक्शन 9 में 2 साल तक की कैद हो सकती है, 2,00,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। एक्ट बना था 2003 में, 20 साल हो गए। 20 साल में कितने लोग मरे हमारे पास आंकड़ा है, कितने लोगों पर मुकदमा चला, कितने लोगों को 2 साल की कैद और जुर्माना हुआ। इस कन्वेंशन की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि एक भी कन्विक्शन नहीं हुआ 20 साल में। देयर इज नॉट वन कन्विक्शन। और इसमें हम और आप भी दोषी। मैंने लाजपत नगर में जो हुआ था तो एक बड़े आयोग के एक बड़े व्यक्ति से कहा था कि इस पर कार्रवाई करो। वो कृपा पूर्वक देखने गए थे। मैंने 6 महीने के बाद में पूछा कार्रवाई क्यों नहीं हुई। मैं आपके साथ में ये कहूं कि नहीं कहूं, मैं दुविधा में था, पर हमको ये सुनना भी पड़ेगा, कहना भी पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कार्रवाई तो हम बहुत अच्छी कर लेते, पर मुझे बताया गया कि वो जो ठेकेदार है वो अपना परिचित ही है, मैं इसका विस्तार नहीं कर रहा, वो भी हिंदुत्व के लिए काम करता है। मैंने कहा मरने वाले कौन थे, क्या वो हिंदू नहीं थे? अगर दोनों तरफ हिंदू थे तो दोषी को दंड क्यों नहीं मिलना चाहिए? निर्ममता से कहना पड़ेगा कि सफाई कर्मचारियों में जो भी व्यक्ति काम में लगा है, साधन ही नहीं, अनपढ़ है, पर अगर सोधरा सर्वे की बात सच है, हिंदवा सोधरा सर्वे, अगर प्रत्येक भारतीय परिवार का हिस्सा है, एक ही मां के पेट से पैदा हुआ जैसा हमारा परिवार है, तो बाकी किसी से भी संबंध परिचय निकटता मित्रता ये बाधा नहीं बन सकती। जो कोई भी ये अपराध करेगा उसको दंडित होना पड़ेगा। नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी को इस एक्ट में स्टैट्यूटरी लिए कहा गया है कि वो इसका अध्ययन करेगा। तो जब पहले वाले अध्यक्ष थे, इनसे पहले वाले, उनको मैंने पूछा आपने अध्ययन किया? वहां किया है। कितने लोग मरे? कहने लगे नहीं पता। क्यों? कहने लगे जितने राज्यों का पता है उतना हमने रिपोर्ट दे दी, जो राज्य नहीं बताते उनका क्या करें। वो रिपोर्ट प्रधानमंत्री जी के पास गई, वो रिपोर्ट संसद के पटल पर रखी गई, पर समाज की संवेदनाओं में, और अगर हम समरस समाज बनाना चाहते हैं तो इस विषय की वरीयता क्या है,
इज दिस अ मैटर टू बी टेकन एट ईज और इज दिस अ मैटर टू बी टेकन ऑन टॉप प्रियोरिटी. मुझे एक अफसर ने कहा कि जो पैसा इनके लिबरेशन के बाद में रिहैबिलिटेशन में खर्चा था उस पैसे में कोई करप्शन नहीं हुआ. मैंने पूछा ऐसे क्यों कहते हो? उन्होंने कहा करप्शन तो तब होता जब उसमें से कुछ खर्च हुआ होता. द एंटायर ग्रांट वॉज लेफ्ट अनस्पेंट. जितना पैसा दिया तीन काम होते हैं ना, आइडेंटिफिकेशन कि पता कराओ कि ऐसा कौन है, लिबरेशन मुक्त करो, रिहैबिलिटेशन उसको दूसरे काम का प्रशिक्षण दे करके बैंक से लोन दिलवा करके या अपना अपने से लोन दिलवा करके उसको किसी काम में जमा दो. इस काम के लिए सरकार ने बड़ा ग्रांट दिया और अगर साल भर के बाद में वो सारा का सारा ग्रांट वापिस कर दिया जाए तो, और जहां खर्चा हुआ है वहां खर्चा सर्वे पर हुआ है माने आइडेंटिफिकेशन पार्ट तक हुआ है, लिबरेशन और रिहैबिलिटेशन के पार्ट तक नहीं हुआ. अगर आप किसी सफाई कर्मचारी को उस काम से मुक्त कराएंगे और उसको उसकी आजीविका का कोई और रास्ता नहीं बताएंगे, उसको रिहैबिलिटेशन नहीं देंगे तो क्या करेगा वो? रोटी खानी है ना, तो शराब के दो पैग लगा करके फिर सीवर में उतरेगा क्योंकि आपने उसको कोई काम नहीं दिया. इसलिए रिहैबिलिटेशन इस एक्ट का असेंशियल पार्ट है. रिहैबिलिटेशन के लिए ट्रेनिंग देना, रिहैबिलिटेटेड काम के लिए पैसा देना, उसको व्यवस्थित करना, ये करो. पर ये होता नहीं है. एक बात मैं कहूं, इसके पहले ये बात मैं कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में 10 लाख कहा था. हमने जो अभी विचार करने के लिए मेमोरेंडम के लिए बिंदु बनाया है उसमें हमने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में मोटर व्हीकल्स एक्ट के फॉर्मूले के तहत बनाना है. वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आलोक में नहीं होगा. मोटर व्हीकल्स एक्ट एक स्वतंत्र एक्ट है. वो ये असेस करता है कि किसी व्यक्ति के मरने या घायल होने से उसके परिवार को कितनी क्षति हुई है. मान लीजिए वो 22 साल का ही था तो उसके पास कमाने के लिए मान लो 38 साल थे. वो ये काम करता था, 38 साल में इतना कमाता, परिवार पे इतना खर्च करता, ऐसा सब तय करके वो कितना नुकसान हुआ है इसकी गणना करता है और इसकी गणना करके उतना पैसा दिलवाता है. तो हम लोगों ने जो मेमोरेंडम दिया था समरसता मंच दिल्ली ने, या इंद्रजीत नाहल जी बैठे हुए हैं और आपसे पहले जो अध्यक्ष थे उस समय दिया था, उसमें हमने ये मांग की थी कि 10 लाख वगैरह नहीं भाई, क्योंकि 10 लाख का तो ब्याज 6700 है. मोटर व्हीकल्स एक्ट में देश की सब अदालतें जिस फॉर्मूले के आधार पर मुआवजा तय करती हैं उस आधार पर मुआवजा मिलना चाहिए. और ये मांग हमने उठाई हुई है, इसलिए उसको आगे बढ़ाना. उसका जो पिछले कागज पत्र हैं वो भी हम लाए हैं, वो हम शेयर कर लेंगे. दूसरी बात है, मैंने आपको कहा कि जो सीवर में उतारता है दो साल तक का दंड और जुर्माना है. मैंने आपको कहा कि एक भी कन्विक्शन नहीं हुआ है. हमने मांग की थी कि जो भी ठेकेदार किसी को विवश करता है कि वो सीवर में जाए और मर जाए, इसको हत्या मानना चाहिए और हत्या का दंड मिलना चाहिए. तो दो बातें हुई, दंड हत्या का मिले ये मिलेगा ठेकेदार को, मुआवजा मिले तो मुआवजा देने की जिम्मेवारी
केवल ठेकेदार की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ठेकेदार से वसूलेंगे कैसे। इसलिए जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, नगर निगम है, नगर पालिका है, नई दिल्ली नगर पालिका है, ये उनकी होनी चाहिए कि वो मुआवजा दें। मैंने एक बार पता लगाया कि भाई सीवर में जो लोग मर रहे हैं ये कहां मर रहे हैं, गांव देहात में, गरीब आदमी की बस्ती में। तो मैंने जो सूची मंगाई, उस सूची में हम सब लोगों ने विवांता बाई ताज का नाम सुना हुआ है। मेरा तो कभी ऐसे जगहों पे जाना नहीं होता, बड़े लोगों का है, खान मार्केट के पास है, भारत सरकार का लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल है, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स एंड कल्चर है। मुझे लगा कि जो भारत के गौरव की, भारत के वैभव की अट्टालिकाएं और संस्थाएं हैं, उन्हीं के पिछवाड़े में ये मौतें हो रही हैं। ये संवेदना का प्रश्न है, उस संवेदनाओं को हम जागृत करें। हम ये आज बैठक 2022 में बुला रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा हुआ था वो 2003 में हुआ था, सफाई कर्मचारी आंदोलन ने किया था। एक बार गूगल पर जाइए, सफाई आंदोलन नाम डालिए, सीवर डेथ नाम डालिए, सैनिटेशन डेथ नाम डालिए, इन कैचवर्ड्स से इनके लिए लड़ने वाले जो नाम उभर कर आते हैं वो तो ईसाई नाम है। बैजवाड़ा विल्सन, समस्या तो हमारी है, जाति प्रथा तो हमारे यहां है, ये डिस्क्रिमिनेशन तो, पर इसके लिए संघर्ष हमने नहीं किया क्या? हम कोर्ट में गए कि नहीं गए? इस लीडरशिप में हम क्यों नहीं खड़े हुए? मैं विश्वास करता हूं कि आज की बैठक से एक संकल्प जागृत होगा, केवल सम्मेलन से नहीं, कर्म से, बिना लिहाज की, बिना शर्म की, बिना डरे किसी के भी सामने जाना और कहना, ऐसी एक भी मृत्यु ये भारत माता को शर्मसार करती है। सुनिश्चित करो कि किसी को उतरना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें ये जिम्मेवारी दी गई है सब सरकारों को और निकायों को कि वो सफाई के आधुनिकतम यंत्रों को लेकर आएंगी। ऐसा एक अलग सेक्शन है एक्ट में, किसी को उतरना नहीं पड़े। अपवाद रूप में भी अगर कोई उतरता है तो उसके पास में पूरा सेफ्टी गियर रहे, व्यक्ति की गरिमा सुरक्षित रहे, और ये काम ऐसा हो जिसमें हमारे सीवर स्वच्छ रहें, और ऐसा करने में किसी व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य या जीवन की आहुति ना देनी पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।